Hello, my dear students. This is Umar bin Amir, your English coach. Today, I am going to teach you a very interesting lesson from your own textbook. But before I get to the lesson, let me teach you the method which we are going to use while teaching you the lesson. Here goes the method. Step number one Listen to my reading carefully. Step number two, listen to my line by line explanation. And in the last step, which is step number three, test your comprehension, your understanding by answering some easy questions. And now, let me tell you the method in Hindi as well, so that you could understand the method clearly. एंड अप्लाई जेम वाल स्टार्टिंग तो बच्चों जिस चैप्टर या लेसन को हम लोग डिस्कस करेंगे उस लेसन को समझने के लिए हम एक थ्री स्टेप प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे और ये एक बहुत ही स्पेसिफ़िक मैथड है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेगा इसमें पहले स्टेप में आपको मेरी रीडिंग को ध्यान से सुनना है इससे आपकी प्रनसीएसन आपकी उच्चारण इम्प्रूव होगी स्टेप नंबर टू में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए जाएंगे ताकि आप लेसन के मैसेजेस को अच्छे से समझ सकें और फाइनल स्टेज में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे इससे आप मालूम कर पाएंगे कि आप उस लेसन को कितना समझें सो डियर स्टूडेंट्स विदाउट एनी फर्दर अ लेट्स जंप राइट इन टू द लेसन हियर वी गो स्टेप नंबर टू लेसन टू द हिंदी एक्सप्लेनेशन तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को रीडिंग बताया था और रीडिंग से आप लोगों की प्रोनासीएसन बहुत हद तक इम्प्रूव होगी लेकिन स्टेप नंबर टू में हम लोग उसी स्टोरी को द लिटिल गोरिल्ला को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि आप सभी को इस लेसन का जो असली मैसेज है वो आपको समझ में आ सके सो द टाइटल इज़ इस कहानी का शीर्षक है टाइटल है द लिटिल गोरिल्ला एक छोटे गोरेले की ये कहानी है इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं ताकि हम लोगों को एक ओवरव्यू मिल सके कि इस कहानी में हमें पढ़ना क्या है हमें सीखना क्या है सो अबाउट द लेसन इस पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके स्टोरी ऑफ लिटिल गोरेला प्रिचिज अस दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल इन लाइफ यानी ये जो कहानी है लिटिल गोरीला छोटे गोरीले की ये हमें शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे लिए नुकसानदेह होती है इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ भी हमारे जीवन में ज़रूरत से अधिक है तो हमें फ़ायदा पहुँचाने के बदले नुकसान पहुँचाता है ओवर ईडिंग ऑफ एनी फूड आइटम इज़ इंजूरियस टू हेल्थ सो वी शुड अवॉइड इट उसी तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होता है इसलिए हमें इससे बचना चाहिए नाउ लेट्स इस्टार्ट दिस स्टोरी चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं लाइन बाई लाइन Once upon a time, there lived a little gorilla. एक जमाने की बात है एक गोरीला रहता था जिसे हम वन मानुस भी कहते हैं He loved eating bananas. उसे केले खाना बहुत पसंद था वो बहुत ही केले के शौकीन था He ate only bananas. वह सिर्फ केला खाता था यानी बाकी फलों को वो पसंद नहीं करता था उसे केले बहुत पसंद थे और वो सिर्फ़ केला ही खाया करता था ही हैड बेनानज़ फॉर ब्रेकफास्ट वो नाश्ते में केला लेता था ही हैड बेनानज़ फॉर लंच वो लंच में भी केला ही खाता था ही हैड अ बंच ऑफ बेनानज फॉर डिनर और यहाँ तक कि डिनर में भी वो केला ही खाता था यानी वो अपने तीनों मील्स में केला ही खाता था इससे पता चलता है कि वो केले का कितना शौकीन था ही एट जैम विथ मिल्क वह उन्हें दूध के साथ लेता था ही एट जैम विथ जूस टू वह केले को जूस के साथ भी खाया करता था हीज मदर डिडेंट लाइक दिस एट ऑल उसकी माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था यानी उसकी माँ ये बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि वो सिर्फ केला ही खाए शी ऑफ एन स्टॉप स्टॉपनिंग बनाना ऑल द टाइम वो अक्सर उसे बोला करती थी कि हर समय केला खाना बंद करो अदरवाइज यू विल टर्न येलो लो सून नहीं तो बहुत जल्द तुम पीले पड़ जाओगे टू हिज माधर ये छोटा गौरीला अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। वन डे इट हैपेंड एक दिन ऐसा होता है कि द little gorilla टर्न सनी येलो वो जो छोटा गौरीला था सच में पीला हो जाता है His friends laughed at him. उसके दोस्त लोग उस पर हंसने लगते हैं उसका मजाक उड़ाने लगते हैं दिस मेड द little gorilla वेरी सैड इससे वो छोटा गौरीला वो छोटा वनमानुष बहुत उदास हो जाता है सुन ही चेंज्ड हिज फूड हैबिट्स बहुत जल्द वो अपने खाने की आदतों में सुधार लाता है बदलाव लाता है ही ये ऐट एप्पल्स और ग्रैप्स वो सेबों को खाने शुरू कर देता है नारंगी भी खाने लगता है और अंगूरों को भी खाना शुरू कर देता है यानी अब वो अपने खाने की आदतों में बदलाव ला रहा है ही एट लीव्स एंड वेजटेबल्स टू और साथ ही साथ वो हरी सब्जियों को भी खाना शुरू कर देता है इन अ फ्यू वीक्स कुछ ही सप्तों में ही लुक्ड लाइक हिज फ्रेंड्स वंस अगेन कुछ ही सप्तों में वो अपने दोस्तों की तरह ही वापस दिखने लगता है हिज मदर वॉज़ वेरी हैप्पी उसकी माँ बहुत खुश थी क्योंकि अब छोटा गवरीला अच्छी आदतों को सीख लिया था सो दैट्स इट बच्चों ये कहानी ख़त्म होती है लेकिन हर कहानी से हमें एक मैसेज मिलती है एक संदेश मिलती है और इस कहानी का मैसेज ये है एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ वेरी बैड यानी किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत ही बुरी होती है तो यहाँ आप लोगों ने ये देखा कि ये छोटा गोला उसे केले खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी और वो सिर्फ केला ही खाया करता था जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा तो हम इस कहानी से ये सीख लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ की अधिकता से बचेंगे सो दैट वॉज़ द स्टोरी एंड आई एम फेरी श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट और ये स्टेप नंबर टू था जिसमें आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया गया ताकि आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आ सके एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप अब मैं तीसरे स्टेप पर जाऊंगा और ये तीसरा स्टेप सबसे अहम है क्योंकि इस स्टेप में आप लोगों को अच्छे से सिखाया जाएगा कि इस चैप्टर के जो भी ग्रामर्स जो भी वैप्स हैं वो आप नेचुरली कैसे सीखेंगे प्राकृतिक तरीके से कैसे सीखेंगे क्योंकि जनरली होता क्या है कि नॉर्मली आप लोगों को चैप्टर आफ्टर चैप्टर आफ्टर चैप्टर पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन डीपली नहीं पढ़ाया जाता है उस इसका नतीजा ये होता है कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं उसके बावजूद भी आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी अबाउट मिनी स्टोरी अगले स्टेप में भी मैं एक स्टोरी ही बोलूँगा लेकिन वो स्टोरी नॉर्मली थोड़ा सा हट कर होगा जिसमें आप लोगों को बहुत सारे ईजी क्वेश्चन आसान सवाल पूछे जाएंगे उसके आंसर्स करने होंगे और वो कोर्स इंग्लिश में होंगे जो स्ट्रक्चर होंगे बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होंगे आप लोगों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है आप सिर्फ उन क्वेश्चंस का एक शब्दों में एक शब्द या दो शब्दों में आंसर करने की कोशिश करेंगे इससे आपके ब्रेन को ये ट्रेनिंग मिलेगी कि आपका ब्रेन धीरे धीरे इंग्लिश में ही सोचने के लिए तैयार होगा और आप ट्रांसलेट करना छोड़कर, यू विल थिंक इन इंग्लिश एंड यू विल स्पीक इंग्लिश आई हैव यूज द सेम काइंड ऑफ सिस्टम एंड आई हैव गॉट द रिज़ल्ट और मैंने उसी सिस्टम को इस्तेमाल किया है और मैंने उससे रिजल्ट हासिल किया है वाकई अगर मैं हिंदी बोलू सो आई नीड टू थिंक अ लॉट मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता है इंग्लिश के मुकाबले बिकॉज आई हैव ट्रेंड माई ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिस एंड स्पीक इन इंग्लिस सो दैट्स वेरी इजी फॉर मी तो वो मेरे लिए बहुत ही आसान है सो so हम लोग स्टेप नंबर थ्री में मिलेंगे वहाँ पे हम लोग इसी स्टोरी को द दलील गोरीला को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही दिलचस्प तरीके से पढ़ेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब उस स्टोरी को बहुत ही इंजॉय करेंगे आखिरकार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को एक नेचुरल वे में एक प्राकृतिक तरीके से इंग्लिश सिखाने में मदद करेगा सो इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ आई रियली अप्रिशिएट दैट सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम गना खम बैक विथ्स यू विथ्स मिनी स्टोरी विच इज़ स्टेप नंबर थ्री थैंक यू वंस अगैन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो